सी खुद सुई सदन के पैसे नहीं दे रहा कि ये सी खुद फर्नेस ऑयल का 60-70 बिलियन रुपीस का कर्जा के ईएससी के ऊपर है। इवन देन 2-3 बिलियन रुपीस के ईएससी के बाहर फनल हो रहे हैं, जो होल्डिंग ग्रुप है वो पैसा बाहर ले जा रहा है। अच्छा, जिस दिन है शायद यहां पे जब देख लेते हैं, बड़ी देर से वो होल्ड कर रहे हैं, तो उसके बाद गुस्ताखी माफ कलामी की। हेलो, बहुत खुशी हुई जी आज साहब, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके जनाब अली। बहुत शुक्रिया, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि बड़ी संजीदगी के साथ और बड़े प्रोफेशनल तरीके से ये टॉक जारी है। जावेद मेरे दोस्त भी हैं। मैं एक सवाल जावेद से, बल्कि एक इस्तेदार जावेद सिद्दीकी से कर रहा हूँ कि जिस जरूरत के साथ उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का नाम दिया, जबकि मैंने एक सेमिनार में उस पर एक प्रोफेशनल किस्म की जब तनकीद की थी, तो एक बहुत बड़े उर्दू के अखबार ने मुझे काफर गर्दाना। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जावेद से कि चूंकि आम लोग भी उनकी ये डिस्कशन सुन रहे हैं, कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे जरा और रोशनी डालें और कम से कम इतना कहें कि आईन के साथ इसके तजादात कहां कहां पर हैं। जी जी, शुक्रिया आशिम साहब, बहुत शुक्रिया टेलीफोन कॉल करने का। एएनपी के सेक्रेटरी इत्तेलात हैं और खास तौर पे उन्होंने कहा कि जावेद सिद्दीकी साहब हम दोनों के ख्यालात मिलते हुए वी हैव द सेम फ्रीक्वेंसी। वो इब्ने इंशा ने कहा था, बड़े अजीम मज़ाकार थे, उर्दू की आखिरी किताब उनकी बड़ी मशहूर एक किताब है, तो उसमें मैथमेटिक्स का जिक्र कर रहे हैं कि हिसाब का, तो उसमें दायरा मुस्ततील और वो सब समझा रहे हैं और एक जगह दायरा समझाया, तो उन्होंने कहा प्यारे बड़ो एक चीज़ होती है दायरा जो गोल होता है। पहले ज़माने में लोग इस्लाम के दायरे में लोगों को दाखिल करते थे, आजकल खारिज किया करते हैं। वो जो अभी आशिम साहब ने बात की कि उनको भी काफिर गर्दान दिया। सारा मसला इसको सब्सटेंटिव पार्ट बनाने के बाद ही हुआ है, बल्कि ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो लियाकत अली साहब पे फोर्स हुआ था, तो उन्होंने इसको एक प्रीएम्बल की तरह से बना के रख दिया था, वो भी किसी हद तक चलिए चल जाता, मगर जबकि पूरा का पूरा एक हमारा सेकुलर सिस्टम है जुडिशरी का, तो ये अब जैसे बात प्रेसिडेंसी प्रेसिडेंट की इम्यूनिटी की हो रही है, जी जी कॉन्स्टिट्यूशन में इम्यूनिटी है, बात की जा रही है कि साहब यूं नहीं है, मज़हब के हिसाब से नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही है, अगर आप सख्ती से उस पर अमल करते हैं तो बिल्कुल ठीक है, और मज़हब के लिहाज से देखें मगर सब बराबर है, मगर फिर आपको 2/3 मेजोरिटी से इस 2/3 को जो ये ऑब्जेक्टिव सबसे इसे निकाल दीजिए पहले, नहीं उसे निकाल दीजिए पहले, जिसमें इम्यूनिटी है उसको पहले निकालिए, बिल्कुल फिर 2/3 के तहत एक इस्लामी शरीयत के हिसाब से ये बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं सिद्दीकी साहब। क्या कहेंगे, देखो इस्लाम इज मेड एन इशू अननेसेसरी वेयर पाकिस्तान इज नॉट एन इशू, जहां पर इस्लाम को इशू बनाया जाए। पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहां पर इस्लाम हमारा मजहब है, इस्लाम हमारे आइडियल्स के तौर पर है, इस्लाम हिस्टोरिकली जो अच्छी चीजें हम सीख सकते हैं खुलफाए राशिदीन के जमाने से उससे हम सीखते हैं और वही हमारे किस्से कहानियां भी बनते हैं, और मोरालिटी जो घरों के अंदर है ना, एक मोरालिटी वो है जो सड़कों पर है, जो कानून के अंदर आती है, तो कानून तो ये शो करता है कि वो क्योंकि इंप्लीमेंट नहीं हो रहा तो लोग कानून की पाबंदी नहीं करते, एक दिल के अंदर होती है जो मजहब से आती है या बिलीफ से आती है, तो वो एक स्ट्रेंथ है, उसको डिनाई भी नहीं करना। मैं दूसरी चीज़ आपसे कह रहा हूँ कि जहाँ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बात आती है और आइन के एतबार से आती है, मैं समझता ये हूँ कि जो ये जो इम्यूनिटी वाला क्लॉज है, मिसाल के तौर पर अगर वेस्टर्न कंट्रीज आपके जहन के अंदर एक वो कंट्रीज हैं जो जिनसे आप सीखते हैं डेमोक्रेसी के एतबार से, तो वहाँ भी इम्यूनिटी के एतबार से क्रिमिनल इम्यूनिटी, जैसे इसराइल का प्रेसिडेंट था जी, है ना, ही वाज ब्रॉट टू अ कोर्ट ऑफ लॉ, जो अमेरिका का सदर था वो झूठ बोलने पर उसको कोर्ट ऑफ लॉ उस माना करके नहीं, उसको कोर्ट ऑफ लॉ नहीं लाया, इम्पीचमेंट किया ना, अगर ये प्रेसिडेंट के लिए वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है, लिहाजा कहीं ना कहीं पूछा जरूर जा रहा है कि अच्छा फिर ये इंटरप्रेट जरूर करना पड़ेगा कि अगर फर्ज करो कोई क्राइम पहले हुआ है तो आया कोर्ट में आएगा नहीं आएगा, या टोटल इम्यूनिटी है कि मैं कत्ल आज
करूं और कल मैं सदर बन जाऊं या प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं तो उसके ऊपर कोई ना कोई तो होगा ना। मतलब मैं आम आदमी हूं, लिहाजा मेरा सवाल ये है, मैं सवाल ये करता हूं कि एक आम आदमी कत्ल करके कहीं चला जाए, मैं खुदा ना खास्ता आई एम नॉट इम्प्लाइंग दैट ऑन आवर प्रेजेंट लीडरशिप बट जस्ट एन एग्जांपल के कत्ल करके कहीं पहुंच जाए तो क्या व्हाट डज द लॉ से, इज ही इम्यून और इज ही नॉट। देखिए अगर ये तो मेरा सवाल नहीं, ये मैं बताता हूं इसका कि इसकी मिसालें हैं, कत्ल का तो इतना नहीं मैंने कभी सुना, मगर रिसेंट मिसाल है मिस्टर बल्सकोनी की। बल्सकोनी साहब इटली के जो G7 में मुल्क है वो जी, उनके ऊपर ड्यूरिंग हिज इलेक्शन वो जब जीत गए थे तो एज ए प्राइम मिनिस्टर उनके ऊपर ये केसेस कोर्ट में चल रहे थे जी, और वो कोशिश भी कर रहे थे। इटली में वो डेवलप्ड मुल्क अगर है वो पाकिस्तानी मेंटेलिटी से ज़्यादा फर्क नहीं है, और वो कोशिश कर रहे थे कि असेंबली से हम एक कानून ऐसा पास करवा लें जो पास नहीं हो पाया। उस पीरियड में ही ईयू की प्रेसिडेंसी बाय रोटेशन इटली की आ गई, तो ईयू की कंट्रीज ने बड़े नाक बो चढ़ाए कि यार ये तो बड़ा करप्ट आदमी है फला। मजे की बात यह कि 6 महीने फिर प्रेसिडेंट रहा, यह है कानून की पासदारी। उसके बाद इलेक्शन टाइम आ गया, वो उतर गए, आज फिर जीत के वो प्राइम मिनिस्टर हैं। देखिए हम निटी ग्रिटीज में, हम निटीज ग्रिटीज में पढ़ के असली इश्यूज और डेमोक्रेसी को क्रिमिनलिटी को देखिए, कानून डेवलप्ड कंट्रीज हो या पढ़े लिखे माशरे हो, वहाँ पर क्रिमिनलिटी को अलग करना पड़ेगा और पॉपुलैरिटी को अलग करना पड़ेगा। सिविलाइज तरीके में कानून के तहत क्रिमिनल उसी को कहेंगे जिसको कोर्ट से साबित हो के सजा हो चुकी है। आप मैंने कह दिया क्रिमिनल है, वो मुझे कह रहा है मगर यहाँ पर आप कहाँ, जहाँ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर बहस ही, यहाँ पर मैं आपसे ये कहता हूँ कि पाकिस्तान इस्लाम जो है वो रास्ता भी दिखाता है, दूसरे कंट्री सेकुलर कंट्रीज भी दिखाता है। मैं ओलाफ पामे की मिसाल दे दूं तो आपको मंजूर होगी, मैं कहता हूँ ओलाफ पामे की मिसाल उसकी आपको मंजूर होगी, तो मैं उन सारी जगहों की मिसाल आपको ये देता हूँ कि जब खुद माशरा स्ट्रेंथन हो जाता है तो फिर ये होता है कि वो इम्यूनिटीज के एतबार से वो खुद विड्रॉ करते हैं, खुद रिजाइन करते हैं, क्योंकि कानून सिर्फ यूं प्रोटेक्ट करता है कि जो प्रेसिडेंट है उसको आप बिला वजह के मुकदमात के अंदर घसीट कर कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं लाएं। मगर इस्लाम हिस्टोरिकली ये भी शो करता है कि जो आपका हेड ऑफ स्टेट है वो खुद ही सबमिट्स टू द लॉ, एंड दिस इज द बेहतरीन एग्जांपल, इट कैन नॉट बी अ बेटर एग्जांपल। अगर कोई मैं चैलेंज करता हूं तो इससे बेहतर तारीखी मिसाल कोई दे दे, ऐसी मिसाल ये भी है और इसमें ना पढ़े तो अच्छा है, क्योंकि फिर वो मिसालें ऐसी आती हैं जिसमें दो टुकड़े हो गए, सवाल की बात के दो टुकड़े, भाई साहब सवाल की बात नहीं, सवाल की बात नहीं, ये दो उम्मा के दो टुकड़े कब हो गए, ये भी है, ये देखिए ना, मगर देखो अच्छी मिसालें लोगे या खराब मिसालें लोगे, ये बाखूब रही साहब, आप जमहूरियत के लिए तो असली मिसाल, अमरीका से अच्छी मिसालें लेते हो या खराब लेते हो, दुनिया भर से अच्छी लेते हो खराब, खराब क्यों लेंगे भाई, हम नहीं खराब लेते, आपके खानदान की हम अच्छी मिसालें लेंगे कि आपके किरदार पर क्या असर हुआ, बुरी मिसालें थोड़ी लेंगे। ये एकेडमिक्स है। मैंने 1954 की एक स्पीच पढ़ी थी जीएम सैयद की, जो उन्होंने बेल्जियम में दी थी, उस वक्त यूरोपियन यूनियन नहीं बना था लेकिन ज्यादातर यूरोपियन मुल्कों के नुमाइंदे वहां पे थे, और उस स्पीच में उन्होंने ये कहा था कि ये जो आप लोगों ने हम पर प्रेशर डाल के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन या करारदाद मकासिब को हमारे आइन का हिस्सा आप बना रहे हैं, याद रखिए एक दिन ये आप पर इसका बैकलैश आएगा। एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली, मैं वो आ गया है। देखिए वेस्टमिंस्टर स्टाइल गवर्नमेंट हमारे पास है, वेस्टमिंस्टर स्टाइल हर चीज़ है, लेकिन अब हम उसमें चाहते ये हैं कि एक बैलेंस कर दें कि उसमें इस्लाम को भी साथ लेके चलिए। पाकिस्तान का जवाल था, पाकिस्तान का जो जवाल है वो इस वजह से नहीं है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आपका पार्ट बना, पाकिस्तान का जवाल जो है वो निरा करप्शन है, निरी बदमाशी है ना, कोई कानून आप बना दीजिए उस कानून की खिलाफवर्जी हुई है आपके एग्जिस्टिंग कानून की खिलाफवर्जी का, चेक एंड बैलेंस नहीं है। लेकिन मैं एक रेजोल्यूशन से क्या ताल्लुक है, एक और चीज ऐड कर दूं कि मनी करप्शन इन मेनी फॉर्म्स ऑफ करप्शन में लीस्ट करप्शन है, लैंड सबसे बड़ा करप्शन, सबसे बड़ा करप्शन है इंटेलेक्चुअल करप्शन, ये जो डाला गया है ये होता है ऐसा ऐसा, और ये जो डाला गया है ये इंटेलेक्चुअल उसकी मिसाल है कि इनकी नियत ये नहीं है कि हम एक इस्लामी माशरा जिसमें सऊदी अरब जैसा माशरा डाला कब गया, जियाउल्लाह साहब के जमाने में डाला। अच्छा उससे पहले आपके यहाँ हालात बहुत अच्छे थे,
एक ही मैं कहता हूँ मगर जियाउल्लाह साहब के जमाने के बाद अगर हालात खराब हुए तो ऑब्जेक्टिव अफगानिस्तान वो फॉरेन पावर्स की इंटरफेरेंस की तैयार हूँ इस पर बहस करने के लिए मगर ऑब्जेक्टिव के खाते में सारी चीजें डालना और ये मैं जनरल ज़िया की जो पॉलिसीज थी जिसने कि इस पूरी सोसाइटी